नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्र मारू आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जन सरोकार मंच टॉक की इस लाइव श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर धांसु अनु सिंह धाकड़ से। डॉक्टर धांसु अनु सिंह धाकड़ कोटा के एक जाने माने रंगकर्मी, कवि, लेखक, जादूगर और लोक के जानकार। इससे पहले कि हम बातों का सिलसिला प्रारंभ करें, पहले हम ये जान लेना चाहते हैं कि धांसु बाबा का जो बचपन था, शिक्षा दीक्षा थी और जो कलाओं से जुड़ने का एक किस्सा घटा होगा या किस तरह से आप कलाओं से इस तरह से रूबरू हो गए, ये सब बातें हमें जाननी है। धांसु जी, घनी घनी खम्मा आप रे ई जन सरोकार मंच रा कार्यक्रम मत है। मैं आप रो मोखड़ो और जादुई मान करू हूँ। बेगा बेगा मारे लारे जुड़ो और जना आपा रूपाली रूपाली बातारा हिंदा में हिंदा, तो मैं आप रो स्वागत करू हूँ। एक छोटो सो जादू रो मैं हिस्सो लेकर आयो हूँ। मार करे खाली बर्तन हो जेड कागज मैं अपन पोथियां लिख के ज्ञान ने समेटा उनने मैं आज बाल देना चाहूँ और बाल करने मैं इन्हें बंद करना चाहूँ कि वो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जावे। और मैं आज आप रो स्वागत करूँ एक जादुई छोटो भारत ये आप घना श्रवण जोग हो स्वागत जोग हो तो मैं आप रो स्वागत करूँ। गिली गिली छू सब मेरे साथ बोल ले गिली गिली छू। अरे वाह, डॉक्टर रविंद्र मारू जी मारो पूछा है कि आप पीछे, तो मैं एक छोटो सो पीछे मारो बताना चाहूँ। मैं छू आप नानो भाई डॉक्टर धांसु अनु सिंह धाकड़, जग जानो सर कोटा राजस्थान मारो ठिकानो है। बाता ही बाता में मैं कद बात पूछी या रोड करण लागो मैंने भेरो ही चालू बननी। आज अपन लोग भी बात करेंगे, उसो पहले आप और भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब पूछे हा कि थारो बचपन किया बीतियो हो कठे बीतियो हो, तो मैं ठेठ गाँव रो आदमी हूँ और राजस्थान री गाँव री धरती ने मैंने जायो है, तो मैं उरी उपज हूँ और या राजस्थान री धरती घनी लूठी संपत्तियाँ री मालकण है और उन संपत्ति रा मोती मैं नहीं मिला कुछ, तो आज वो मोती आपने लुटाऊ खतर में ठाए हूँ। अब मैं हमारे बारे में और तो क्या बताऊँ। डॉक्टर साहब ही जुड़ा आप जी, जैसा कि आप सबको विदित है कि आज हम लोक की बात करेंगे। लोक क्या है, लोक का अर्थ क्या है, कैसे लोक हमारे जीवन में उतर गया है और किस प्रकार से लोग हमें प्रभावित करेंगे करता है, हम इस बारे में बात करना चाहेंगे डॉक्टर धांसु अनु सिंह जी से। कृपया हमें बताएं कि लोग का अर्थ क्या है। ओके, लोग जुड़वा बात पहले अपन लोग ने एक बानकी देखा जी, तो बानकी में था चल जाए तो लोग कई चीज बह कर जी। और गीत री दो लाइना में आपने सुनाना चाहूँ जी। अभी वो राजस्थान धरती रो सौंदी सुगंध लेन आपके सामने आवे। ढोला ढोल मजीरा बाजे रे, ढोला ढोल मजीरा बाजे रे, काली छीट रो घाघरो नी जारा मारे रे, ढोला ढोल मजीरा बाजे रे, कोटा
बाजार मेरे चार लुगाया जाए, कोटका बाजार मेरे चार लुगाया जाए, दो गोरी दो सांवली रे दो दो फुलका खाए, ढोला ढोल मजीरा बाजरे। बहुत बढ़िया, मारो ख्याल है हमने वो गीत राजस्थान री माटी री खुशबू लेन आयो है वो दी वली। पूछा है कि लोक माना का हो गए, क्योंकि आज आप आधुनिक संस्कृति में जी रहा है तो लोक ने भूलता जा रही, पर मैं तो ये कहना चाहूँ कि लोक रे बिना आधुनिक संस्कृति रो कोई मोल को नहीं, लोक रे ऋणी हुआ अगर आधुनिक संस्कृति बिना लोक रे आधुनिक संस्कृति चाह नहीं बन सके, मैं रसी नहीं बन सके। तो मैं बताना चाहूँ थोड़ी बहुत मारे समझ में आई, जो लोक रो अर्थ हुआ करे लोक मनख मानवी लोक जी जे एक जैसी मान्यतावां परंपरावां तीज त्योहारा गीत गाला और सोच ने और आपरा हृदय में जो विचार मेरे पूछे मैंने लेन आवे और उनके चिंतन करे वो हृदय रो रस हुआ करे, वो रस ने लोक नो उगड़े और आनंद लेवे। मैं आपरी रहनगत में अपना पीढ़िया सु एक नराड़ो ही टोड़ बना जीतो आवे छे मैंने लोक को मारो मानबो है या लोगा का मनरा में जो भाव उपजिया वो गीत बढ़िया गाथा बढ़िया मानना बढ़िया साजिया तेजा गायन हिरदा हेला तमाशा नोटंकिया सांग साखिया नेजा गौरी गिंदड़ आदरा रूप में आपरे सामने आवे है या कि सरलता मनख्यारा मनरा जैसी सरल हो रहे। अपन यूं कह सका कि मानव का हृदय सुझर तो अमृत छो लोक तो रचा जी तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप दासु जी। हम ये मानते हैं कि लोक जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे अंदर हस्तांतरित होता है। इस हस्तांतरण को यदि हम ध्यान से देखें तो हम कहीं ये नहीं ढूंढ पाएंगे कि लोक का प्रारंभ कहाँ से है जी, पर फिर भी ये प्रश्न तो बनता है कि आखिर लोक की उत्पत्ति आप कहाँ से मानते हैं। मैं आप ही बात नहीं झूके हूँ तो या गलत नहीं हो सी असो मार मान लो लोक संस्कृति री उत्पत्ति मनक री आद शुरुआत से होती है। जदे मनक में थोड़ी घनी सभ्यता आई मतू ही लोक पैदा हो वो मेरे जीवन में पूरे खेल कूद में पूरे सोच विचार में पूरे रोजमर्रा रो जो जीवन हो वो जीवन ने वो रसदार बनाने खातर जो उन्हें मन में जो भी बात आई उन्हें वो गा के ने उसको वो फेरने आपने सामने ला तो और उस कारण बता तो वही वो लोकरी उत्पत्ति मान मानी जावे है जी। और इरे लारे ही उनकी संस्कृति या बन जाए, क्योंकि संस्कृति क्या बने कोई भी आदत और व्यवहार अपन अपनावा और बिना पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ावा तो वो अपनी संस्कृति बन जाए तो असंस्कृति बनेगी जिन्हें लोक संस्कृति भी आना क्या जी। जिसा जिसा मानव समझदार होते गए परंपरा ही संस्कृति को जी भूगोल बदलियो लोग भी उनके ना ही बनी, पर संसार का सारा लोक रो अंतस एक ही है, चाहे वो राजस्थान रहो चाहे वो दक्षिण भारत रहो हो चाहे वो दक्षिणी अफ्रीका रहो हो चाहे वो युगांडा रहो या अमेरिका रहो जी। तो लोक जो है वो रो अंतस एक जैसे ही है, ऊपर वो थोड़ा बनाओ नजर अलग आवे पर अंदर वो एक ही है। आज री सभ्यता से पहले ही मनखड़ा समाज में लोका को चक्रवर्ती साम्राज्य हुआ जी। आज भी शास्त्रीयता में लोक सुगनी उधारी कर और अपने आप के तय समृद्ध कर। आज आपरा जो फिल्मी गीता आधुनिक गीत देखो और मनान देखो और साहित्य देखो तो भी मैं लोक हूँ उधार लिया वाला तत्व तो नहीं मिलेगा और वह रचना घनी छोटी बन गया। तो लोकरा ऋणी आज री संस्कृति आधुनिक संस्कृति है और यही मैं रस भरे और उस रस रो आनंद आज रा आधुनिक लोग भी लिया। लोक रस जीवन में अभाव में भी आनंद भरे, लोक रो रस जो है जी मानवीय जो जीवन है पूरे मेरे पास पाछला समय अगर आपने देखा तो अपना संसाधन साधन नहीं हुआ करे था तो वो क्या करे, ऐसे समय में लोग जिन्हें आनंद दिए विनय विरी जो कमियां ही
धन की कमी ही, जमीन की कमी ही, पहन ओढ़ने की कमी ही, कमाने की कमी ही, उन सब कमियां नहीं पूरी लोक ने की। लोक में क्योंकि गीत हा, लोक में मानना रचना चित्रकला ही, साहित्य हो, रीति रिवाज रा व्यवहार हा, जी चीज है। तो यहाँ में रमे हूँ आप अपरा भाव में भूल जावे और उन्हें आनंद मनख्या का पूछ रहा सो बंदे आज ताई लोग ई प्रकार उठे बंदे हो और उभ्यो हो और मनख्या ने नई नई और ताजा जून दे रहे हो। ओ मन जमारा ने रंगा सो भरे छे ई तरह लोग मन जमारे री संपत्ति हो जावे। तो जमा पूजी आज दा मिनख री तो लोग ही है जिन्हें वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जावे और आगे बढ़ा। तो मेरे ख्याल में यही बात है। यदि हम ये मान लें कि लोग पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे हैं, जैसे कि आप बता भी रहे हैं कि हम युगांडा जाएं या फिर अफ्रीका या फिर हर एक जगह की अपनी एक संस्कृति एक लोक, पर हम किस प्रकार से लोक के फैलाव को देखें? जी, ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जी, लोक हमारा जीवन में हर जगह रचो बसो, जीवन रो एक भी ऐसो व्यवहार पुनी हो, ऐसो जीवन में ऐसी एक भी जगह नहीं है जिसका लोग आप देख में नहीं आवे। जीवन को हर मकाम लोग तत्वान से खटे खटे लोग मिले तो अपन अगर थोड़ी बहुत वाणगी देखा तो लोग मिले अपन लोक भाषा में मिले, लोक भाषा में मिले, अपनी राजस्थानी भाषा थोड़ा आगे बढ़ा तो आप लारे लोग प्रदेश है गुजरात गुजराती भाषा, थोड़ा आगे बढ़ा तो मराठी भाषा, भाषाओं में लोग बसो, वो अपनी रंगत रखे और अपनी मिठास रखे और आप लोगों ने समृद्ध होवारो गर्व करवारो अभिमान करवारो मुक्त हो गया। लोक कलावा में बसो, संसद प्रकार की कलावा लोक में मौजूद है और अपना विशिष्ट रूप रे सागे मौजूद है जो आधुनिक कलावा ने लोक साहित्य में है। लोक साहित्य लोक सुभ्रपुर साहित्य राजस्थान ये मामला में सब स्वयं समृद्ध राज्य मान लो कि राजस्थान में लोक कथावां हैं, लोक गाथावां हैं, लोक कलावां हैं, लोक गीत है, लोक कहानियां हैं, पता नहीं के लोग लोक सामाजिक जीवन में जी हमारे समाज में होने वाले तीज त्यौहार रीति रिवाज वर्ण प्रण जो भी है सब जगह लोक लोग जादू और टोटका में मैं अब आप ये वजह कह सकूं कि मैं जादू आदमी हूँ, मैं तंत्र मंत्र रो भी आदमी हूँ। तंत्र मंत्र मैं ज्योतिष विद्या सीखी है तो बेटा मैंने तंत्र मंत्र भी सीखी क्योंकि ये लोक कल्याण रो हेतु हो ये वजह से आप रहा मेहनत जो अनपढ़ हा अज्ञानी हा जिनका हृदय सरल और शुद्ध हा वो स्वस्थ है कि यार मैं क्या लोकारा कल्याण कर सकूँ। लोकारो कल्याण करने खातर वहाँ लोगों ने आप विज्ञान खोजो और अपना काम भी। हाँ, आज रहा जमाना में लोग जादू और तंत्र मंत्र डरे हैं। मैं कहूँ भाई क्यों डरो हो, डरने की कोई गुंजाइश ही नहीं। जादू लोग मनोरंजन रो हेतु है, डरावन रो हेतु नहीं है। तंत्र मंत्र लोक कल्याण रो हेतु है, डरावन रो नहीं है। कि तंत्र मंत्र ने अपना अपना बढ़ेरा अपना पूर्वज अपना जीवन के तहत आनंद भरता रिया साथ के साथ ही आपरा आस पास रहा गाँव शहर और लोगा रो हित करण रहा मन में उल्लास पालता रिया तो एड़ो है हमारो लोक। लोक में दया चरा था ग्वाल भी फांसे क्या बात, दया चरा तो ग्वाल जो सीधो साधो आदमी होया करे, शुद्ध हरदारो आदमी होया करे और जब वो गाया जंगल में छोड़ने गाया ने चरा दे और पेड़ ने नीचे बैठ रहा बांसुरी तान छेड़े तो मैं कहूँ भगवान श्री कृष्ण भी उतरने नीचे आ जावे जो भगवान है बुला सके वो बांसुरी तान है। लोग एड़ो हमारो लोक है पौणो, लोक में लोग तेजा जी देवनारायण जी बाबू जी हीरामन जी यारा जस गाता यारी प्रशंसा गीत गाता कृष्णा का टापरा में छे बिल्कुल भादवारो महीनो चाल रहो है। राजस्थान रा गांव गांव में रात पड़ी ने चार लोग इकट्ठा होया ने ढोलक लीन मजीरा लीन और अलगोजा लिया जम जावे ते जाकी गए बिल्कुल और रात रात मजा ले सारी दुनिया ने भूल ने और तेजा जी गाने में रम जावा क्या बात, सारी दुनिया रो रस तेजा जी गाने में उतारा। तो लोक मारो अठे विराजे है जी। नाटक नोटंकियों वहाँ सांग तमाशा में लोक विराजे समय समय पे लोक ख्याल होया करे
नौटंकिया होया करे, सांग बनया करे, तमाशा जे पूरा तमाशा जगत प्रसिद्ध है, मारे अठे हाड़ोती में ही धुने तमाशा होया करे, नाड़ा तमाशा अग्रे सांगवद में जगत प्रसिद्ध नाड़ा तमाशा होया करे। लोग अपना रंजन रह लिए, आप अंदर जो भी बात बिने वो आज ले चले। तीज त्योहारा गीत गाला में लोग बसे, क्या बसे? अब देखो देखता आया हो, हाचला समय में भी जब हवाई जहाज रो चलन नए नए हो गए और गांव वाला लोग जाने कोई ने, अब तो आवाज आवे खटी हूं तो किस प्रकार से घर भी बीननी बीने हरके और निरखे और उन्हें मन ने भाव ने हो रहे, तो एक लोकगीत बन जाओ मैं आपने पेश करूँ हूँ जी। तीज के भाया चील गाड़ी आगे रे, भाया चील गाड़ी आगे रे, चूलो बड़ तो छोड़ बीनणी देखण भागे रे। अब हाजरा समय में अगर ये बात करा तो ये कोई बात गहरा सोच वाली नहीं है, लेकिन भी सरल गाँवरी बाहर रे मन में के उपजी कि उसको आवाज सुनी और चीलगाड़ी मैंने कदे देखी नहीं, बैलगाड़ी देखी है तो चीलगाड़ी देखने खातर वो इस प्रकार से रोटियां चूल्हे पर चढ़ी छोड़ के भाग जावे, तो ये लोक ने निकाला गीत काम कठे हुए। आज ने फिल्मों में आपने गीत देखा तो पाछला लोग तो नाग बसी को रहे, तो ओके गीत है न भाव है न भरण है न कोई राग है न कोई रंग है, बस गारियाँ हैं कुल्ला कूट गया है और भोंडी भोंडी तर्जा लेने आप गारियाँ, तो ये प्रकार से लोग ने अपना स्थान बनाया गीत गाला में। हमारे घर के सामने गांव में माता जी रो देव रो हो बटे लुगाया इकट्ठी होती, जब माता जी रो भाव आतो तो ढोल ताचा बाजता रौठा और नगाड़ा बाजता ना, और लुगाया अलग ही गीत गाते, ये गीत गाओ माता जी ने क्या बुलावे, हमारी माता जी का ऊंचा रहूंचा महल महला में बोले मोरेड़ा, हमारी माता जी के ऊंचा रहूंचा महल महला में बोले मोरेड़ा, माता जी खुश होती है और भक्तों के पास। यही आप देखा तीज त्योहार में माथे अभी सनादरा पक्ष आवा बठे अपने कुंवारी जो अपनी बालकियां होया करे वो क्या करे, दीवारा पे गोबरू एक सजा रो चतरांग मांड है और बिना सजा हो और भगवान प्रार्थना करे कि हमारे छोको बर मिले, तो इस प्रकार 15 दिन सहजे और सहजे मांडती जावे शाम की इकट्ठी हो गीत गावे, सजिया के सास रे जाज रसुआ खाटो बाटी खाज रसुआ। आपको शास्त्रीय में ये चीजें मिलेंगी, हाँ शास्त्रीय अपना एक अलग स्थान रखता है, वो अपना अलग एक रस रखता है, एक अलग रखता है, लेकिन ये सहज और सरल हृदय से निकला हुआ शुद्ध सात्विक जिसको हम परमानंद कह सकते हैं, परमानंद स्वरूप ये लोक का रस है जो हमारे यहाँ पर आता है। इसी प्रकार से हम तेजा जी गाते हैं, इसी प्रकार से हम जब हमारे वीर जो नायक थे युद्ध में जाते थे तो किस प्रकार से जाते थे, इस पर भी ये गीत है जी। अर चढ़ गयो चंद्र भाणी रे दीवाणी ए नीला घोड़ा पर असवार, ए रमता रे रमता जावे राम में। बहुत ही सुंदर। मैं देखियो हूं कि भरे भादवारा महीना में रात में ढोलक और तासान अलबजा ले लोगारी मंडली बैठे और तेजा जी गावे और अठे तो हाड़ोती आंचल में तो तेजा जी मंडली आपस में प्रतियोगिता वहां करे एक दूजा तगड़ी तगड़ी, तो तेजा जी सुनो थे बिल्कुल। अर पहली तो गणेश संरक्षा रे कुंवर तेजा, पहली तो गणेश कुंवर तेजा, दूजा तो ए सवरा चारे सा भवानी माता शारदा। बिल्कुल, ओ तो हाड़ो तेरो रंग बिल्कुल, मैं मारवाड़ी रो रंग भी दिखाऊ तेजा जी क्या गया जी। गया जावे और ख्याल किया जावे, अर गाजो गाजो जेठ असाध कुंवर तेजा रे, लग लग ही गाजो रे सावनी भादेवो। लोग खड़ा होन नाचे, तेजा जी की सवारी खाटे कच्ची घोड़ी पे बिल्कुल, और पूरा गांव में बिंदोरी फेर आनंद ही आनंद बरसे, मैं बरसे ऊपर हूं नीचे आनंद बरसे बिंदोरी पे तेजा जी निश्चित। तो ये लोकरी है बिल्कुल, ये सारी संपत्ति लोकरी है,
शास्त्री में ये चीजें आपने देखने में मिला करेंगे। और भी मैं बात करा तो हमारे राजस्थान में जो पावना और प्यारो राजस्थान है, जो पावना ने भगवान मानना और राजस्थान है, स्वागत और मान मनवारा में भी लोग आपने दिखे, क्या दिखे आप देखो, नायिका आपने नायक ने किस प्रकार से स्वागत करे और सम्मान दे। आपने यहाँ रजवाड़ा रो देश है, रजपूतान रो देश है, महबला सजे है, बटे की प्रकार से गार और आपरा नायक ने वो रिजाव है। बिल्कुल केसरिया बलमा आवने पधारो मारे इस लूठी और मीठी मनवार के हो बहुत सुंदर है? बहुत ही सुंदर। फिर देखो थे आपरी टावरी और शादी होगी, मैं जी पहले पहली बार लेवन खातर शास्त्री आया जी, क्या बिरी मनवार करे है बिरी सासुमान और क्या थी सासुमान कोई साड़ियान बुरी बड़ सासुमान जी की प्रकार से गीत गा करने और फिर स्वागत करे कि एक बार आओ जी जय भाई जी पावना, एक बार आओ जी जय भाई जी पावना, तने सासु जी करे छे घणी आत जय वही लाड कणा कथे मिले रानी। और राजस्थान राजस्थान का लोक रूप रस है, मक्खन है, जो आप आपरा मेहमान ने भी वही स्वर्गिक आनंद पहुंचे। आपरे पावना पीर आवे, ब्याह शादियां हुए, खेत कलाना हुए, तो वहां पर भी लौट लगे। बिल्कुल पावना पीर आया, ब्याह ब्याह एक तरफ, अब उनमें प्रतियोगिता हो रही है, प्रतियोगिता गीत रा माध्यम किया साखियां बोले थे मारे और साखियां लागे किया साखियां लागे और थारी डागड़ी मारी मड़ी दुनिया का मिल गया खूट, थारी डागड़ी मारी मड़ी दुनिया का मिल गया खूट, और ब्याई जी तो अच्छा कहीं बड़ा चे आगे बड़ा बोला चे झूठ, अरे 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 बीड़ी टमका तो आयो रे चोरियो तो रूपाड़ो घणो। ये साथी एक तरफ बोलते अपने मन के भाव को ऑन द स्पॉट सामने वाले को देती है और सामने वाले का जवाब देता है। यह शादी में बने बनी गाए, बने बनी का कोई कोई लिरिक्स कहीं से आते हैं क्या? नहीं आते। जो जो हमारी सामाजिक संरचना है, जो हमारी पारिवारिक संरचना है, वहीं से हम तत्व उठाते हैं और उनको उनसे लिरिक्स बनाते हैं और उनको किस प्रकार से हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं, उस वर को सम्मान या वधु को सम्मान हम देते हैं कि बना का दादाजी चले अजमेर, बना का दादाजी चले अजमेर, बना बना का तातो भाई सुन ला जो छुड़ी को बाजो जी, बना सा वहीं सुला जो चूड़ी को बाजो, अर आंगनिया में बाजे मारे चोबरा में बाजे, अर आंगनिया में बाजे मारे चोबरा में बाजे, अब बना सा मने भी न चाह दो चूड़ी को बाजो। अब बोलो क्या क्या बात मैं कह रही कि है बना दिया वो जाओ चूड़ी का बाजा जो आजकल चलन में ग्रामोफोन लोक में उसका भी चलन, लोक में जो भी चीज नई उनसे परिचित होती है वो उस पर अपने भावों को व्यक्त करते अपने तरीके से। यही लोग वो गा करके करें, वो उकेर करके करें, या फिर वो कह करके करें शब्दों में प्रयोग करके। हाँ, लोक की एक और खासियत, ये खासियत है कि ये मौखिक परंपरा है, इसका पुस्तकबद्ध स्वरूप मिलता नहीं है, लेकिन आजकल आधुनिक जमाना है इसलिए लोगों ने इसको कर लिया है, लेकिन ये परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक हमने हमारे बड़ों से सुना, फिर हमने अपने बच्चों को सुना दिया, बच्चे आगे बढ़ा देंगे। ये लोक इसी प्रकार से एक अविरल सरिता के रूप में मौखिक रूप से मिलता रहता, इसका लिपिबद्ध साहित्य होता नहीं था। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारा लोक भी किस प्रकार से कहाँ पहुंच गया है, जो थोड़ा सा हमें अश्लीलता की तरफ जाता हुआ लगता है, लेकिन लोक में कभी किसी तत्व को अश्लील माना नहीं गया है। वो प्रेम का इजहार करने का एक अपना तरीका होता है और आज लोक
क्या कहाँ तक किस प्रकार से आता है उसकी भी एक वानगी में आपके सामने जरूर करूँगा, जो कि आपको शादी ब्याहों में और कहीं भी सुनने को मिलता है जी, कि आटो आटो कसी चकी को खाए और ब्यायन मोटी होगी, आटो कसी चकी को खाए और ब्यायन मोटी होगी। ये अपने प्रेम संबंधों को खुलापन देने के लिए इस प्रकार से अपने भावों को जहाँ पर अपनी समदिन अपने समदी का बुरा नहीं मानते, प्रकार को लोग जी। तो डॉक्टर साहब गीतों की काफी सारी बातें होगी, अब हम थोड़ा सा मुड़ना चाहेंगे कलाओं की ओर और हम ये जानना चाहेंगे कि जो लोक साहित्य है, लोक कलाओं में और लोक कथाओं में यदि हम जाते हैं तो हम विजयदान देथा जी की बात जरूर करेंगे क्योंकि राजस्थान के लोक की बात हो रही है, तो उनके योगदान के बारे में, उनकी कथाओं के बारे में और कुछ कहानियों के बारे में भी बताइए। समय की अपनी एक सीमा है तो हमें कहानियों के बारे में भी जरूर बताइए। बिल्कुल, मैं यूँ कहूँगा कि हर जीवन की एक ख्याणी और मतलब जीवन ख्याणिया सु बारक हो और बना ख्याणी का जीवन पड़ेगी। आप ये मान के चलो कि हर बात जो आपके मुंह से निकल गई तो अपने आप कहानी, बिना कहानी के आप कुछ भी नहीं हो और न संसार में वो आधुनिक हो लोग या लोक हो, दोनों जगत कहानी के बिना हम कुछ भी नहीं है। मानवीय व्यवहार में हर बात कहानी है और हर व्यक्ति की अपनी कहानी है, वो भले ही किसी की अच्छी हो किसी की बुरी हो लेकिन कहानी निश्चित रूप से। तो कहानी जो कथा की आपने बात करी तो कथा लोक कथा राजस्थान बहुत मोटिला नृत्य कथा मारा कथा मारा ढोला मारो रे कथा गायन तेजा गायन लग जाना है। तो पर आज ये ख्याण है ये लोक में छे, दादी नानी का आचरण में छे, भगत का बायराम न जाने खां पतो ने खां आप से ये छूट गई और जीवन न सुनो करगी आज फिर एक जो को ले तो आपके बीच में आऊंगे जो पचालक हो तो अपन ख्याणी से जुड़ेगा। एक फल डॉक्टर साहब ने की तो साहब विजयदान देता जी। दादी नानी का ये आचरण से बकरी पूरी राजस्थान की धरती में ये लोग कथा मां जी ये प्रकार से खोबा लगी तो एक धरती में धरती पुत्र पैदा हुए जिनको नाम जो बिजी विजयदान देता जो बरुंदा जोधपुर का रबाड़ा था और एक कोमल कोठारी का साथी था। दोनों ना मिलर ये लोक कथा वापस खोजियो ये धोरा की धरती में जहाँ जहाँ भी मांगता है लोक मिलियो दादा नान्यान के साथ बूट बैठ कर बड़ा बुजुर्ग के साथ बैठ बैठ के गाँव गाँव डाने डाने घूमन तो जातियाँ बंजारान के साथ वो उठ बैठ रहा ये लोक कथाएं टोड़ो और कथाओं को एक भंडार भंडार ना समंदर कह सकता था। तेरा खंडा में वहाँ की बातारी खुलवारी आपका सामना छ प्रकाशित छ पुस्तक बद्ध छ वो राजस्थानी में भी छ और हिंदी में भी उपलब्ध छ। तो लोक का मां ताई लेर बहुत समृद्ध रहो छे, बाणिया की कथा जाटा की कथा कसाणा की कथा सब जीवन का ऐसे एक भी इस तो बोलने जहां कथा से न जुड़े। बात अगर कथाओं की हो रही है तो हम डॉक्टर साहब से ये अनुरोध करेंगे कि आप अपने ही एक अंदाज में अपने ही तरीके में अपनी एक लहजे में हमें कहानी सुनाए जो जो हमें आनंद दे। बिल्कुल, आप प्रिय बात सर्वथा पे और मैं कहूँ कि आज रा जो हमारा दर्शक है और श्रोता है जी सब आप लोग भी ये आनंद लो नौकरी या बानगी आपका सामने है। ये कथारो नाम है घुड़सवार, जो घोड़ा री सवारी करे वो घुड़सवार। ख्याणी तो प्रवेश गांव को प्रवेश क्योंकि लोग गांव में ज़्यादा बचे से शहर में तो आधुनिक संस्कृति को नहीं लेंगे जी। तो आओ शुरू करा जाए अपन ख्याण को आनंद। हाँ अजी अहंकार खंडहर बनिया मठ गया राजा राज फिर समय को बलवान छे रंग कसर पे ताज। बात समय की चाली छे तो उनकी मेहमा को बखान भी श्रावण जोगी हो समय न जाने कितना बगाड़ और बनावटा करी छे
या तो समय बढ़ला बढ़ला फेरियो छे, समय ने न तो राम छोड़िया न राम का नाम लेना जी। सब मट्टी से बनिया और मट्टी में ही मिला, सृष्टि के सब गुना सुन लिया हाल तक सब समय कोई बता रहा है, सब छोटा समय वाली भावना कर रहे जी। पर समय रहता समय की कदर न कर वाला आज का ये लोगान की ये लोक की या जो दशा वाली थी सभ्यता की वह ये कारण से हो रही है। आगे कहीं होगी कहीं नहीं कोई नहीं, समय की पालकी में बढ़ और मोगी से एक दिन परवण नदी का कराड़ा के शायर शायर सूरज नारायण की टर्म पर भर आ रही हो जो तो राजगढ़ गांव का उजड़ खेड़ा गया भी जाते बड़ा बड़ा कोड़िया मकोड़िया भाटा पकड़िया पकड़िया और करीना का बड़ा बड़ा झाड़ जहाँ पर लाल लाल डगड़ा लचड़ा हो जाए अचानक अणगणत बाल सूरज कोई ना वहां पर टाक दिया एक जमीन में सो गया पाषाण प्राचीरा का छन ये बात की आसानी से समझा देता कि यहाँ पाछला समय में का कालखंड में कोई रजवाड़ा की कोई राजधानी छोटी होती है नदी का पानी में पाऊं रुपया खड़ी बुर्जा हाथियां गजसी मोटी मोटी भीतियां और जहाँ के खोबड़ों में सांप वगैरह में खबरों वास मंदरा की रड़ जो अब धड़ चुके हैं ऊंचा ढोल पर गढ़ जैसे मकाम असो लांबा चौड़ा क्षेत्र में बसे जो का छोटा मोटा शहर को ओढ़ में वो इतिहास की धरती पर समर समरा पांव पटक तो रियो और भावना की नहीं पर बरा तो लाल छड़गेरी का बाटान को टूटो फूटो ऊंचो चूतरो जिप खंडिया गणेश जी की मूर्त कामी पर लथपथ ना आखा अगर बच्चा वहाँ बकरी पड़ी आज बदवा को मार छो गणेश जी को बात गणेश जी जो सारा बगड़िया के ताई बड़ा बड़ा अशाम की गांव को थोड़ी हाथ में राउठो और कंधा पर जोड़ी टाकर चूकर के जी और राउठा ने खाक में दबार तुन तुन कर सुर मलार और फिर गज पर ऊपर राउठा पर छड़ार और फिर गावा लागियो देखो कहीं गाओ जो हाँ घर न पधारो जी गजानन जी ए गजानन घर न पधारो ए आप भी आओ जी देवा आप भी आओ जी देवा शोभा बढ़ाओ हृदय सिद्ध ने लारा लाओ जी गजानन घर न पधारो थोड़ी एक टांग ने दूसरा गोडा पर धर पूरी तानवा सु गणेश जी ने मना रहे छो और यो उनको रोज को काम छो गांव बस्ती में मांगवा जाबा सु फल ली वो गांव का बाजार गणेश जी ने जरूर सवरे सवरे तो उनको रोज को नहीं छो तो आज भी उन्हें उनकी प्रतिज्ञा थी कि रोज गांव में जाबा सु फल ली गणेश जी का गांव का बाजार आज ही लगानी लगानी थोड़ी ना गणेश जी की हदाई पर ढोक लगायो समड़ियो अच्छा से मोटर मन दिए पर रामाश्यामी के पाचे वो उजड़ खेला के पीछे वर्षा वो दबियो इतिहास खोज भागे गिर सुमन की थोड़ी सुखी तो उन्हें ओबला मुंडा सु पाचला समय का हेरा लेता बातान का परता उगाड़वा लागे थोड़ी ना बात शुरू करी खबर लागे का कमर साहब क्यों जो टीम लो आप देख रहा छो ये टीम लगा का पिंदा ये मजेदार खियानी दफन था हाँ इतिहास की खियानी दफन था मारा बडेरा से सुनी जी वो बात याद आ रही थी तो मन लाग रही थी आपके तक सुना जो हालांकि मन बस्ती में मांग बाजा की देर हो रही थी कोई बात को ना था को मन रखाण बा के कारण वो आज मांग बा की छुट्टी कर दी ये कथा है पत्थरी और दूसरी पर मुंह बढ़ गयो थोड़ी ना रावटा का तार कचार फिर सुर मिला और सुर मिला फाचला हेरा ले तो संसार की जो सार हीनता थे उनको भान करा बाड़ा उन्हें गीत कहीं गीत गायो के मनड़ा छोड़ दे रे गर्भ गुमान मनड़ा छोड़ दे रे गर्भ गुमान एक दिन माटी में मल जागो माटी में मल जागो रे एक दिन सब कुछ मट जागो ए मनड़ा छोड़ दे रे गर्भ गुमान रावण कंस थोड़ी बोलो खमर साहब बात गणी प्राणी कोई समय जोग में यो जो उजड़ खेड़ो
छियो एक लूटी जागीर वो भी करे छे और जागीरदार छा प्रतिपति अमरपाल सिंह जी राजगढ़ जागीरदार जी अपना बडेरा से उल्टा सुन मगा बड़ा बुढ़ा अहंकार का साथी माजी की मौत है मगा ताई गर्व छो मां के बाद में अगर कभी ना हां पर साची बात या छे कि धरती तो आपने जगह पे काई छे और ये धरती का है टीमला में वहां का बडेरा का मेरा शरीर जी पर नंबर पाल जी संत सभा देवता जैसे आप लियाओ में चल रहा है राजा राम के जैसे तू आ गई वहां का राज में ये जो अवशेष था देख रहा जो ये बने थे ये जो टूटे फूटे थे अमरपाल जी धीर गंभीर था वहां का दो कमर था मंजी बना और खमाण कमर था उन्होंने जोड़ला था तो बोले राम लखन की जोड़ी लागे दुनिया की उम्र यही रही होगी 12-13 साल के आसपास तो वहां का कहीं जगह शिकार खेलवा बस हो अब शिकार खेलवा जाओ जा तो जागीरदार में शिकार रान का जगह की काई कम जमाना शिकार आगे लेकर परवण नदी का खाड़ चंदाड़ी की राड़ी बीड सुंडा जैसे अणमाफा रूकड़ा सु लद्या फद्या दरिया चल सोआड़ा लुंगा खड़गोश तीतर बटेरा मोड़ा जंगली सूड़ा बगेड़ा रोजड़ा हरणिया आदि घना मोकड़ा उमो भरिया फरिया असि हम की दोनों कवर घोड़ा पर सवार होर हल्का राना साथ ले जावा और शिकार खेल जी साथ में रचो भगतरो कौन भगतरो भगतरो वो टेम को नामी को सवार उनकी घुड़सवारी को मकाल को करबाड़ो संधि रियासता में आसपास की में कोई नचो ठाकर प्रतिपाल अमरपाल सिंह जी भी ऊपर गणा गुमान करे गणो गणो गमंड दिमाग करे भगतरो देखो था 5 हाथ लांबो बड़गी डाले जैसे तो बायाओं की और खंबा जैसे शरीर भरिया मुंडा पर मुरड़ादार मूछे और आंखें कोडा का कोडा कोठी मूछे पाँव में नोकदार मोजड़े और चूड़ीदार पजामो ऊपर डील पर गोडर फाड़ी छप लियो गोट और कमर पर कमरबंद गला में मोजे की छोटी मोटी माला हाँ चून रही बोलो तो बोल तो करम और मूछे बत्ता और रंग खड़ा कराने भी पाचे छोड़ दे छो तो जात गो बलवा अश्याम क्योंकि कान सब साहब को प्यारो अश्याम क्योंकि कान पूरा गांव और रियासत का लोग मान भगतरो घुड़सवारी को खिलाड़ो छो तो पछाण क्यों की घुड़सवार की घुड़सवार पासवान घोड़ा सुन नीचे ही न उतर मारा बटोशियो आदमी को घोड़ा सुन नीचे ही न उतर हाँ जात बरादरी में भी जाओ तो बढ़ता तो जाओ कोई ना और चल जाओ तो घोड़ा सुन नीचे ही न उतर घनी अकड़ और अहंकार छो कहीं को पर ये आदर्शो सब लोग बाग गांव बरादरी बस्ती जागीर का लोग नाराज पर उनका कहीं फर्क न पड़े कोई का फाउना फिर में जावे साहब जान बरात में घोड़ा सुनी चाहिए न उतर सारी पटला है घोड़ा सुनी कर लेनी लोग ने बरो लागे पर कहीं पर क्योंकि ठाकर साहब को मुंह लागे हाँ उड़ती उड़ती बात ठाकर साहब के घोड़े की तो वाने की कोई समझायो पर उन्होंने कहीं गिरी अटी सुनी समय सरक तोरी और उनकी यह आदत परवान छड़ती थी ज्यादा बरादरी का कोई मौत मरण भी हो जावे तो घोड़ा सो नीचे न उतर ये टच का सो ज्यादा नाराज पर करे काई पंच पटला ने ठीक भाई पास वान जी सारी बातें तो ठीक है पर मौत मरण तो उतर जावे करो जा बाड़ा की मैंने खानो तो दे दे भी करो ये तो पुण्य को काम छ पुण्य को काम हां पर खदी उनके बात आसन ना है बरादरी ने टसक पाल और मोखा की तलाश में इंतजार करबे की ठाणी काई कर सके जो काई नहीं समय कोई नहीं छो समय आया पाछे सब सीधा हो जाचे फिर जाओ ठाकर साहब हो सब पास हो कोई वही सब सीधा हो जाए तो साहब एकदम समय ना सबक सकाए पासवान जी का बाप का सब रस करो सारा घर में लोग डिडाड़ा पाड़ पाड़ा रोया कर रो रो आंसू मगा सूख गया पर लाश काटला में पड़ी रही तो पड़ी रही उनका गांव मोहल्ला ने और ज्यादा बरादरी ने आज मौको मिले छो वो अहंकार से बदल ले बाप सब ना सोच बनाई कहीं ना आज तक कोई भी मौत मरण को सम्मान न करे तो आज ही को खुश हाँ तो कोई ना जा क्यों बोले आपड़ा अपने ग्राम में खड़े खड़े दरवाजा पर टमक टमक जांग दरिया पर कोई आयो कोई टोकरा की मट्टी कोई खा तो दे बाप आसमान जी आज जमीन पर बाप की मौत ना आज वहां करता धरती बता दी पर रस्सी जड़बा से बासु कायम हो मैं तो जहाँ को जाए सोची कर ठाकर साहब उसे कहते रहा सड़ा किए अतना में घोड़ा पर चढ़वा लो छो तो छो बैठो घोड़ा ने की टापा सुनाई दी टप 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 चक टप चक टप टप
चक टप चक, कोई अफगानी कोई तुआड़ा खाते खच्चर जी घोड़ी, तो कोई बछेरी कोई कसीर कोई कसी घोड़ा घोड़े आन के सवारी ले और पासवान जी ने अच्छा घेर लो जैसे कोई सेना दुश्मन का दाल गिरा गबीचा मार गया। हाँ पासवान जी सोच रहे खाए, पासवान जी ने हाथ जोड़ बिनती करी पर कोई घोड़ा से नीचे हाँ। तो फिर पासवान जी ने कहा करी तो भंती गरी मासू पर वहां जानवर की आवाज आने के अलावा कोई छियो भी ना बोली। हाँ कोई खांदो दे बाबे पियाल कोई नीचे ना उतरे पर जगह कोई को घोड़ा घोड़ी कौन सा वो दूसरा का मांग रहा आया घोड़ा पे आया घोड़ा पे। हाँ आज पासवान जी मनी मन पस्ता रहा था पर करे का आज माँ की आज्ञा खुली तो जात बरादरी कहीं चीज हो भी तरह से पंचाम को मान कहीं वो बतरे से खता खटल पासवान जी ने ठाकर साहब से दरखास्त करी तो हजूर बाप मरे पड़े से मो कहीं करूँ ठाकर ने की तो दगंदियों कहीं करोगा पासवान का मुंडा भी बोल लो बोल लो तो कम खान तो खून दे ठाकर साहब ने की ये क्यों था को कुटुंब और गाँव जात बरादरी का खा क्या। पासवान ने मुंडो बिगाड़ रखी अंदर था कोई घोड़ा सो नीचे ही ना उतर कोई खांदो दे बखाण तैयार ही कोई ना कर गने की या तो बड़ा दुखी बात है पर हां गने सोची कोई बात कोई ना कोई बात जरूर जरूर। हाँ फिर की कैसा कर चार सपाई ले जा और डोगरा की मट्टी नवा से उसू पासवान से पासवान हाथ जोड़ रहा बोलियो नहीं नहीं अंदा था अच्छा किसा हो सके अच्छा काम थोड़ी चल लगो तो फिर ठाकर ने पासवान का मुड़ा सुख खोल दिया। ठाकर साहब ने पूछी तो यह बात बता तू कोई की मौत मरण में जाओ जो तो कैसा जाओ कैसा जाओ हैं। पासवान ने की वो कम घोड़ा पर बैठ जाबे करो ठाकर के ताई बात समझता देर ना ज्यादा देर नहीं। हाँ डांट रखी कि जा यहाँ पगाई फाँचो जा और जात बरादरी और गांव बस्ती का पगा में फागड़ी भर माफी मांग सबने कहे आज पाचा शो बॉर्ड न करूं। पासवान ने भाई के आगड़ी पाँव में और मुंडा में घास को थुड़क ने लेर माफी मांगी तो गांव बरादरी घोड़ा सो नीचे उतरी फटाफट अड़ती सजाई खंडा का तांता लागे जो पासवान जी को तो नहीं डोगरा की मट्टी ठिकाना लागी घुड़सवार पासवान जी की अकल भी ठिकाना आ गई। समय को अशो बायरो बाजियो आगे फाचे करता करता ठाकर सार पासवान जी की समय का लपेटा में आया ये टीम ला में आज भी पड़िया पड़िया कभी कभी फूकियां लगे। हाँ ठाकर साहब का कमर भी काल का गाड़ में समझ गया गांव में है जगह सी मड़ाई फरी कहके दुखे मान में बचा राज उजड़ गया गांव उजड़ गया अब तो उनका निशान ही बचा था तो टीम की ठोकर रखा था गता ही किसान उठल गया नयो राजगढ़ी सु थोड़ी नीचे की ठाम पाचो बसियो पर बना जागीर जागीदार तो कंवर साहब थोड़ी देखी हाँ तो खबर साहब खेड़ा की यही ख्यानी यही बात छी हाँ गाँव करार गदा की लाद छी तो मो तंदरा सुर टूटियो तो थोड़ी गोराओ तो समाल फिर वो गवा लगियो आई गवा लगियो आई गवा लगियो की सार रहन था ऐसे वो बखाना छे अर दो दना का मेला रे उड़ जाना हंस अकेला रे ए दो दना का मेला रे उड़ जाना हंस अकेला ए कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी जोड़ बनाया देला रे कोई नहीं तेरा कोई नहीं मेरा जानो एक दिन अकेला रे उड़ जाना हंस अकेला। समय की अपनी एक सीमा है। ये थे धांसू डॉक्टर धांसू अनु सिंह धाकड़। अगली बार फिर हम मिलेंगे किसी एक नई शख्सियत के साथ। हमारे बहुत ही प्यारे दर्शकों से अनुरोध है कि आपके पास कोई भी सुझाव हो कोई भी बात हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करें, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की शाम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। डॉक्टर धांसू अनु सिंह धाकड़ जी का बहुत बहुत आभार। जन सरोकार मंच ग्रुप ने भी मैं आभार देता हूँ। मैं हमारा साथी डॉक्टर रविंद्र मारू और शरीफ नादान ने भी मैं आभार देता हूँ कि वो मैंने समय दियो और मंच ने मैंने यो मौको दियो मैं बहुत आभारी हूँ धन्यवाद देना चाहूँ और सेव ज्यादा आभार और धन्यवाद मैं आपने देना चाहूँ हमारा दर्शक और श्रोता जिन्हें मैं मन लगा सुने और मैं अपेक्षा करूँगा कि आप भी मैंने आशीर्वाद आगे मिलते और ऐसी धन्यवाद।
घनी घनी फिल्म राम 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 सर।